इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो कृपया चिल की पिल ले और वीडियो को एंजॉय करें। अच्छा बताओ, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से ऋषभ पंत? हाँ भाई, क्या हाल हो रहे तुम्हारे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो अपने आप से ज्यादा सुंदर और अपने आप से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट किसी को नहीं समझती। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उर्वशी रौतेला के बारे में। इनका बस नहीं चलता अर्नी है पूरी दुनिया में अपने ही बिलबोर्ड्स लगवा दे कि मैं हूँ इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत। खैर, ये गलतफहमी दुनिया की हर एक लड़की को है और इस गलतफहमी को सिर्फ एक लड़का ही दूर कर सकता है। क्यों मिस यूनिवर्स, सही कहा ना मैंने? उर्वशी इतनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि उसने अपने बायो में अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी क्वालिफिकेशन लिख रखी है। ये वही लोग हैं जो अपने रेज्यूमे में अपनी ना बराबर स्किल के साथ साथ थोड़ी बहुत बकचोदिया भी लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्किल तो उनकी पसंद आएगी नहीं इंटरव्यूअर को, तो क्या पता बकचोदिया ही पसंद आ जाए और हमको जॉब मिल जाए। तो मिस्टर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्किल्स तो आपके पास एक ढिल्ले की नहीं है, लेकिन मुझे आपकी हरकतें बहुत पसंद आई। जैसे कि आप अपनी भुंडी से शकल लेके किसी भी लड़की से बात कर लेते हैं, फिर उसको प्रपोज कर देते हैं, और जब वो लड़की मना कर दे तो आप ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे कि मैं रील बना देते हैं। मतलब आग तो है देखो आपके अंदर। तो इसी आपको देखते हुए मैं आपको 7 लाख रुपये महीने का पैकेज देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने उर्वशी का एक इंटरव्यू देखा। मैं अपनी टेडेक्स की स्पीच के लिए एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहाँ पे गई थी। अरे क्या बात कर दी उर्वशी जी आपने, कोई बात नहीं, तुम तो नहीं बता सकती उस यूनिवर्सिटी का नाम, मैं तो बता सकूं। तो देवी और सजनों, उस यूनिवर्सिटी का नाम है ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे हरामी दोस्त उसी कॉलेज में चले गए। मैं इसलिए गया क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए वीडियो बनानी थी। और मुझे कोई जेंटलमैन है उनके नाम से वो लोग चिल्लाने लग गए, तो मुझे वो बहुत खराब लगा कि क्या मेरे खुद का कुछ मैंने अपनी लाइफ में कमाया नहीं है। उर्वशी ने अपने पूरे करियर में अगर कुछ कमाया है तो वो है डमनेस। चलो सपोज करो मैं किसी बंदे से पूछता हूँ कि भाई क्या तू उर्वशी रौतेला को जानता है? अब भाई तो कोई बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा है कि कोई उर्वशी रौतेला को ना जाने। एक बार को ऋषभ पंत को जानने से तो फिर भी इनकार कर सकते हैं लोग, लेकिन उर्वशी रौतेला तो भाई इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि उन्हें तो सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी एक रेयर केस ले लेते हैं कि वो आपको नहीं जानता। तो अगर मैं उसे थोड़ा बहुत हिंट दूं ना कि अरे यार वही जो बहुत ही डम सी है, बुद्धू सी है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला फोटो तुम्हारा ही आवेगा। आलिया भट्ट भी दूसरे नंबर पे है। मैं आ रही तो ऑब्वियसली, जैसे अगर कोई उर्वशी आ रही तो हर कोई चिल्लाएगा उर्वशी उर्वशी, आप आ रहे तो फरी तो फरी तो, इट्स लाइक दैट। जब कोई इंसान आ रहा है, व्हाई आर दे कॉलिंग मी विद सम अदर जेंटलमैन्स नेम? दैट वाज वेरी वेरी, आई फेल्ट दैट वाज इंसल्टिंग। तो जैसा कि तुम सबने सुना, उर्वशी को बहुत ही इंसल्ट फील हुआ। अच्छा आओ, तुम सबको ग्राफिक गिरा लेके चलता हूं जिस दिन उर्वशी रौतेला वहां पे आई थी। मुझे कहीं से भी आपके चेहरे पे इंसल्ट फील नहीं हो रही है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग उससे बेहद खुश हैं कि वे आपके लवर का नाम चिल्ला रहे हैं और उनके बदले में आप उन्हें फ्लाइंग चुम्मियां दे रही हैं। अब वहां के लोंडो को पता है कि आप उन्हें गालों पे चुम्मी तो दोगी नहीं, और अगर ऋषभ पंत का नाम लेके उन्हें फ्लाइंग चुम्मियां रिसीव हो रही हैं तो भैया वे तो इस आशा में नाम लेते रहेंगे कि कोई बात नहीं, एक फ्लाइंग चुम्मी लेके मैं अपने गाल में लगा दूंगा। वैसे फ्लाइंग किस से याद आया कि अभी हाल फिलहाल में ऋषभ पंत जी का बर्थडे था और उनके बर्थडे के दिन उर्वशी जी ने फ्लाइंग किस करते हुए एक पोस्ट डाला था। इस पोस्ट का कैप्शन फिलहाल अभी एडिट हो चुका है, लेकिन उनके बर्थडे वाले दिन इस पोस्ट का कैप्शन कुछ ऐसा था। आपको रिस्पेक्ट भी है सामने वाले के लिए और आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो सामने वाला प्रपोज कर देगा आपको। अब आपको मना करना है उनको, ऐसा कभी हुआ आपके साथ में? जी हाँ, आई मीन मना करना है, देखो एक्चुअली देखो अगर मैं सिंपल कॉलेज गोइंग लड़की होती तो ऑब्वियसली मैं हाँ कर देती, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी आपको पता ही है कि बीइंग एन एक्टर इज नॉट सो ईजी, हमारे पीछे इतने सारे लाइक यू नो हमारे जिस तरीके का काम है, हम फिल्म्स में शूटिंग करते हैं। अपने आप को इतनी वैल्यू देना कोई उर्वशी से सीखे। वे खुद ये मानती है कि मैं कोई कॉलेज की साधारण लड़की नहीं हूँ कि किसी को भी आई लव यू बोल दूंगी, किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं बहुत ही कामकाज करने वाली महिला हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ, मैं मिस यूनिवर्स हूँ, मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। Obviously, respect is very important. अभी जिसका मैं नाम ले रही थी, Mr. RP. हे भगवान, को इतना ज्यादा डम कैसे हो सकता है? मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पता है यार, जब लोग बाग कहते थे ना कि यार उर्वशी बहुत ज्यादा डम है फलाने टिकना, तो यार मैं तो यूं सोचता था कि यार लोग बाग तो मजाक करते ना, उनकी आदत है मजाक करना। लेकिन जब मैं किसी पे वीडियो बनाने बैठू ना तो मुझे पता लगे वे सारी की सारी बातें तो सच थी। अभी थोड़ी देर पहले उर्वशी जी ने कहा था कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गई थी जहाँ पे मुझे एक जेंटलमैन के नाम से पुकारा जा रहा था, उस जेंटलमैन का नाम नहीं बताया था, लेकिन अब खुद ही कह रही है जैसे कि मैंने आपको बताया RP। हे भगवान, उर्वशी
किसी को इतना ज्यादा डंप कैसे हो सकता है? देखो उर्वशी, या तो तुम किसी का नाम मत लो, और अगर ले रहे हो तो उसे अच्छी तरह कोडवर्ड बना के लो। ये क्या होता है, ऋषभ का आरली और पंत का पीलिया बन गया कोडवर्ड आरपी? अबे भाई कोडवर्ड भी कह रहा होगा, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। खैर चलो, इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली उर्वशी ने ऋषभ पंत से माफी मांग ली। तो आरपी के लिए कोई मैसेज है आपको? लेकिन मैं आप थोड़ा सा घुमा रहे हो, मैं आपको डायरेक्टली सीधी बात पूछ रहा हूँ। सीधी बात, नो बकवास। यस, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग एनी बकवास। तो कोई बात या आप यू नो हमारे थ्रू से पहुंचाना चाहोगे ऋषभ पंत? ऑल आई वांट टू से इज दैट व्हाट डू आई से, नथिंग, सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन वो माफी एक दिन भी ढंग से टिक नहीं पाई। अगले ही दिन उर्वशी ने अपनी उस माफी को मानने से इनकार कर दिया। बेचारा ऋषभ पंत भी ये सोच रहा होगा, इतना तो मैं अपने शॉर्ट्स की वजह से मीडिया में नहीं आया जितना उर्वशी की वजह से आ गया। अभी कुछ दिनों पहले उर्वशी ने अपने इंस्टा पे Q&A किया था, जिसमें एक बंदे ने उनसे उनका फेवरेट क्रिकेटर पूछा। तो उर्वशी जी ने कहा, आई डोंट वॉच क्रिकेट एट ऑल, सो डोंट नो एनी क्रिकेटर्स। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि उर्वशी क्रिकेट की फैन नहीं है, वो क्रिकेट नहीं देखती। तो फिर थोड़े दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया की चली गई इंडिया का मैच देखने। Women. अब यार देखो, मैं इस बात को सुनकर क्या ही चौंकूं। मतलब यार देखो, चौंकने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उर्वशी को अब आदत पड़ चुकी है कि पहले तो मैं किसी चीज को मना कर दूंगी और बाद में फिर वही सेम काम कर दूंगी। साला इतना दोगला तो मैं भी नहीं हूं यार। अब देखो यार, मुझे तो पता नहीं उर्वशी ऋषभ पंत से प्यार करे नहीं करती, ऋषभ पंत उर्वशी से प्यार करे नहीं करता, कौन किसको धोखा दे रहा, कौन मीडिया का क्लाउड ले रहा, भाई देखो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता कि भैया मेरा हो गया आज का येलो, वोटर भी बच गया, सही टाइम पे बजा बेटे। तो यार देखो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और भाई देखो अगर ज्यादा ही पसंद आ गई हो ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दियो, अकेले अकेले ज्यादा मुझे नहीं लेने। अगर तुम्हें मेरा पीछा करना तो इंस्टा ट्विटर का लिंक नीचे जाओ, जगह वहां पीछा करो। मैं चुप मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।